नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूँ राज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है, जहां मुख्यमंत्री भावांतर योजना का भुगतान प्राप्त करने पहुंचे ग्रामीणों को भोजन नसीब नहीं हो पाया है। जी हां, मुख्यमंत्री भुगतान का लाभ लेने के लिए ग्रामीण नरसिंहपुर गए हुए थे, जहां उन्हें भोजन न मिलने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन्हें भोजन मिला भी तो उन्हें इस कदर मशक्कत करनी पड़ी कि आप भी खबर देखकर हैरान हो जाएंगे। आखिर बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन को भीड़ का अंदाजा था तो ग्रामीणों को भोजन की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की? आखिर जानवरों की भांति क्यों उन्हें भोजन दिया गया? आइए डालते हैं एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। बाहर से किसान लोग आए हैं और आपने अभी घोषणा की थी कि सब लोग खाना खा के जाएंगे और वहाँ देखिए भगदड़ मची है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। सब खाएंगे, सब खाएंगे, हम लोग भी रुके सर, खाना नीचे बकरा हुआ, पैरों में पैसा लगवा देंगे। खाते में पैसे आ गए हैं, मैसेज आ गया तो धन्यवाद दे रहे सर। खाते में पैसे आ गए, खाते में पैसे आ गए। भोजन में व्यवस्था क्या है? संख्या अधिक हो गई है, सब खिलाया जाएगा। अलग से आदमी आया उसे दूना खाना बनवाया गया। नहीं सर, अभी देखिए आप गाड़ी में चेक रखा है, पर उसके बाद में लोग गाड़ी आ रही है, भर के भोजन आ रही है, भोजन तुरंत करवाइए। क्या समस्या है? काहे की भीड़ लगी है? 8-9 समस्या है, सब लेके डांट टप्पा दे दो, क्या हम नहीं देंगे टप्पे? देर लगाओ, हम लोग देखते कहाँ है, अब कैसे लेंगे? हाथ भी हाथ खाने पा रहे, मिल नहीं रहा खाना, नहीं मिल पा रहे। महिलाओं की अलग से लाइन लगी क्या? अलग से लगी, नहीं मिल पा रहे। कितने लोग बांट रहे? भोजन न मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी व्यथा सुनाई, वहीं कहा कि यह अपमान है और इस तरह से जिला प्रशासन को नहीं करना चाहिए। हालांकि जिले के आला अधिकारी सवालों से बचते नजर आए। आइए डालते हैं दूसरी खबर पर नजर, जहां एक सड़क निर्माण और पुलिया निर्माण में घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मामला सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र का है, जहां बगदरा में इन दिनों सड़क व पुल निर्माण किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि रेत और सीमेंट की जगह भस्सी यानी राखड़ का उपयोग पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है, जिससे गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण हो रहा है। वहीं ठेकेदार से बातचीत करने में सामने आया कि ठेकेदार उच्च राजनीति पकड़ का हवाला देता है और घटिया निर्माण में सुधार की बजाय कहीं भी शिकायत करने का आश्वासन देता है कि शिकायत कर सकते हैं, शिकायतों से नहीं होने वाला। आइए एक नजर डालते हैं फिर से नरसिंहपुर जिले में, जहां ट्रैक्टर पलटने से करीब 20 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 8 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। गंभीर को हालांकि उपचार के लिए जबलपुर रेफर किया गया है, लेकिन पूरी घटना कल देर शाम की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि हीरापुर अमोहा से आदि गुरु शंकराचार्य की गुफा देखकर करीब ट्रैक्टर में सवार 2 दर्जन लोग आ रहे थे, वहीं तेज रफ्तार होने के कारण ट्रैक्टर पलट गया और सवार महिला पुरुष घायल हो गए। पूरी खबर हमारे खास संवाददाता नरेश श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि अभी इस घटना में किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई है, लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी लोगों को, घायलों को समुचित उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया है, जहां उनका इलाज जारी है। बनता था वो बनता अब कैसे भी
बहते हैं अब हमने अध्यापक समूह बनाया है। आप लेकर आए हो? लेकर कितने लोग भाई आए हैं? आइए एक नजर फिर से डालते हैं सिंगरौली जिले में, जहां ट्रांसफार्मर को देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफार्मर नहीं मकर जाल है। हालांकि एक बड़े दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है, लेकिन अभी भी ना सरपंच ना बिजली विभाग के किसी भी टीम ने इस ओर ध्यान दिया है। वहीं दूसरी खबर वहीं खुटार पंचायत की है, जहां 11 लाख से निर्माण हुई सड़क में कमीशन की बू आ रही है और बताया जा रहा है कि यह एक सोची समझी चाल है जो 11 लाख रुपए को हजम कैसे किया जाए। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में गत दिवस एनजीटी की टीम आई हुई थी। इसके पहले आपको बता दें कि सिंगरौली में दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण का ग्राफ लोगों को चिंता में समाई हुई रहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी दुबे के याचिका पर एनजीटी ने एक बार यहाँ जाँच के आदेश दिए थे, जहाँ एनजीटी की टीम करीब 3 दिन यहां जिले का दौरा की और एनजीटी की टीम देखते हुए जिला प्रशासन ने सड़कों का छिड़काव कराया, पेड़ पौधे को व्यवस्थित कराया ताकि प्रदूषण की मात्रा को न दिखाई जा सके। हालांकि मीडिया से रूबरू होते हुए एनजीटी की टीम ने तमाम सवालों के जवाब दिए और मीडिया की टीम ने सवाल रखे अपने। आगे खबर कांग्रेस नेता या फिर पूर्व मंत्री बंसमणी प्रसाद वर्मा की है, जो हिंदू देवी देवताओं का सार्वजनिक मंच पे उड़ा रहे हैं मजाक। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर का है, लेकिन जिस तरह से ये भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, पुजारियों का मजाक उड़ा रहे हैं, यह हिंदू धर्म के देवी देवताओं और आस्था के साथ खिलवाड़ है। आइए देखते हैं इनका पूरा क्या क्या है रिपोर्ट, किस तरह से ये हिंदू देवी देवताओं पर निशाना साध रहे हैं। खाते हैं जिसको देखा है पुजारी को, जो भी चढ़ावा चढ़ता उसको पुजारी खाता, वो चलाक है, इसने कहा कि मैं पुजारी, क्योंकि पूरा चढ़ावा वही खा रहा है। हालांकि मंत्री जी जिस तरह से बोल रहे हैं उसकी इनको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। आइए एक नजर डाल लेते हैं थाई स्पा सेंटर में, जहां जो बिंद नगर के पास ताली में स्थित है, जहां 31 दिसंबर की दरमियानी रात एक कर्मचारी की मौत हो जाती है। इस मौत पे पर्दा डालने के लिए संचालक ने बहुत सारे रचे षड्यंत्र, लेकिन फिर भी जैसे ही खबर शहर में फैली पूरी सनसनी मच गई। संचालक ने बताया कि 31 दिसंबर की दरमियानी रात हमारे एम्प्लॉई नृत्य कर रहे थे और जहां ड्रिंक लिए हुए थे और यह अनियंत्रित होकर छत से गिर गया, जहां मौत हो गई। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या है पूरा मामला और क्या उनका कहना है। आप इस बात था आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं राज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है, जहां मुख्यमंत्री भावांतर योजना का भुगतान प्राप्त करने पहुंचे ग्रामीणों को भोजन नसीब नहीं हो पाया है। जी हां, मुख्यमंत्री भुगतान का लाभ लेने के लिए ग्रामीण नरसिंहपुर गए हुए थे, जहां उन्हें भोजन न मिलने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी कितने दिनों से थाई स्पा सेंटर की चल रहा है यहां पे? चार मंथ हो गए। कितने एम्प्लॉय अपने यहाँ काम करते हैं? मेरे यहाँ 5 गर्ल्स हैं। 5 गर्ल्स हैं और जेंट्स की बात करें तो कुल मिला के जी, तो जैसे हम अगर बात करें तो ये जैसे कोई भी यहाँ काम या कुछ होता है लेबर संबंधी या श्रमिक संबंधी, इनका रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ लेबर जो है लेबर इंस्पेक्टर है जो न्यायालय वो है उनके यहाँ होता है? उनका पूरा विवरण जमा होता है, क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या इनको अपन पीएफ दे रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ अपना था क्या वहाँ पे? जी जी, सैलरी का और रुपए का अपना पीएम जीएसटी नंबर
हालांकि अपने बचाव के लिए संचालक तो बताएंगे ही, लेकिन पूरे मामले को अगर गहनता से छानबीन की जाए तो कई मामले खुलकर सामने आ सकते हैं। कई लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कहीं अवैध संबंधों के कारण तो उसकी हत्या नहीं करा दी गई है। खैर जो भी है, मामले के जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ पाएगा। आइए डालते हैं दूसरी खबर पर नजर, जहां नगर निगम उपचुनाव में वार्ड 27 में उपचुनाव होने हैं। दोनों प्रत्याशियों ने गत दिवस नामांकन दाखिल किया, वहीं 17 जनवरी को चुनाव होने हैं। दोनों प्रत्याशी अपनी होड़ में लगे हुए हैं। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बंतो देवी के मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल चुनाव के नतीजे आने तक ही कुछ कहा जा सकता है, पहले कहना अतिशयोक्ति होगी। बात करें वार्ड 27 के लिए, आप अभी प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल करके आए हुए हैं, वार्ड 27 में आपको कौन सी समस्याएं हैं और आपको अगर पार्षद बनते हैं तो वो किन समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने का प्रयास करेंगे? वार्ड क्रमांक 27 में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको मैं बहुत उम्मीदवार के पहले भी बोल चुका हूँ, इसका अभी तक हल नहीं निकल पाया है। जैसे वहाँ की समस्या है, आपका शॉपिंग सेंटर, कचरा, नाली, बिजली में लाइट खंभे में, ग्राउंड है, पार्क है, सब ध्वस्त हो गया पूरी तरह से। अभी जिसका कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं होता। यदि हम मूलभूत समस्याओं को एक किनारे रख के मुख्य समस्याओं की बात करें तो फिर उसमें आपको आप कोई समस्या ऐसी नजर आती है? मुख्य समस्या में से है कुछ जो भी वहाँ लड़के हैं, कुछ जो है उनको जो बेरोजगार की हालत चलती है उसका एक प्रयास किया जाएगा। और वहाँ के जो एनसीएल परिसर है, वहाँ पर पार्क साक है, डालियाँ हैं, कचरा है, साफ सफाई है, यही सब सारे मुख्य समस्या। एक जो सवाल है जनता का और है, सीधा हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप वार्ड से सटे वार्ड में भी आप ही का एक तरह से कह सकते हैं पार्षदी चल रही है, वहां भी तमाम प्रकार के अभी भी समस्याएं हैं, तो वो वहां की समस्याएं आप दूर नहीं कर पा रहे, फिर ये वार्ड 27 आपके लिए कुछ ज्यादा ही चैलेंज नहीं रहेगा? दूर नहीं कर पा रहे, प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास चल रहा है, लेकिन इस प्रयास में जैसे विफल होते जा रहे हैं बनाने के लिए प्रयास चल रहा है, दिन प्रतिदिन प्रयास किए जा रहे हैं उसमें, ताकि बेहतर किया जा सके बात को। Hey!